नमस्ते भारत। मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं अपने घर के बाहर बैठ के ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों को बीच बीच में चिड़ियाओं की, कोयल की चहचहाट भी सुनाई देगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज मैं हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए एक ऐसे बादशाह की बात करने वाली हूँ जो हिंदुस्तान के अंदर अनडाउटेडली बेइज्जती के नंबर एक बादशाह हैं। यानी कि अगर बेइज्जती की बात की जाए और बेइज्जती लगातार और बार बार करवाने की बात की जाए तो उनको वो ताज बिना कंपटीशन के मिल जाता है, नंबर वन पर वो रहते हैं। खुद को वैसे वो इस देश का मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं 51 वर्ष का युवा हूँ इस देश का। वो कहते हैं कि मुझे राजनीति की बहुत समझ है, लेकिन अगर आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए वो बिना प्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोल सकते। वो कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन 90% ऑफ द टाइम वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं जो टूरिस्ट वीज़ा में भारतवर्ष के अंदर रहते हैं। वो कहते हैं कि उनको हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के लोगों की चिंता है, लेकिन हाफ ऑफ द क्या मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीन और पाकिस्तान के फेवर में खड़े होते हैं, जबकि उनको भारतवर्ष के फेवर में खड़ा होना चाहिए। तब तक वो उनकी राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि कोविड के समय पर मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी बाहर नहीं दिखाई दिए, कहीं पर उन्होंने किसी की मदद के लिए किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं करी, अपनी पार्टी अपने चेले चपाटों के साथ। और अब इस वक्त जब कोविड में उनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का जो जिम्मेदारी होती है वो निभानी चाहिए थी, उस वक्त उन्होंने सेंट्रल विस्टा के नाम पर बहुत बड़ा झूठ बोला। बोला कि सेंट्रल विस्टा मोदी जी का घर बन रहा है, हम टैक्सपेयर्स के पैसों पर मोदी जी अपना घर बना रहे हैं। आप लोगों को पहले ये बता देना चाहती हूँ कि सेंट्रल विस्टा इस देश की पार्लियामेंट है, हमारा आपका इस देश का एक बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से एक ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो बुनियाद है या इसको जो कंसीव किया था सेंट्रल विस्टा को, वो किया था यूपीए सरकार ने 2012 में पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, और 2012 में बोला था कि बनाया जाना चाहिए सेंट्रल विस्टा। अब सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था, मतलब अंग्रेज चले गए यहाँ से, मुगल चले गए, लेकिन इनका ये माइंडसेट नहीं गया। इन्होंने पार्लियामेंट बनानी चाहिए थी अपने हिसाब से, अपने देश की, हमारा लोकतंत्र का मंदिर, पर अंग्रेज जो जो चीज़ें छोड़ के चले गए उसी पर ये लोग गर्व करते रहे, उसी को ये आगे बढ़ाते रहे। लेकिन हाँ, मुगलों के नाम पर, मुगल शासकों के नाम पर इन्होंने दिल्ली के अंदर सड़कें जरूर खड़ी कर दी, पर अपने लिए, अपने देश का कुछ भी नहीं बनाया। तो सेंट्रल विस्टा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। इसके नाम पर बहुत झूठ बोला कांग्रेस पार्टी ने, गंदी और घटिया राजनीति करी, लगातार चैनल्स पर जा जाकर के बहुत बड़ी बड़ी कहानियां झूठी गढ़ी गई, और उसके बाद एक जनहित याचिका लगाई गई आदरणीय हाईकोर्ट में। लेकिन उस याचिका पर एक बहुत बड़ा करारा थप्पड़, एक झापड़ इन लोगों को पड़ चुका है। सेंट्रल विस्टा की जो जनहित याचिका लगाई गई थी, याचिकाकर्ता पर आदरणीय हाईकोर्ट ने 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया और बहुत कड़ी टिप्पणी करी और कहा कि ये सेंट्रल विस्टा नामक जो प्रोजेक्ट है ये इस देश के राष्ट्रहित में बन रहा है, हमारे मान सम्मान, हमारे गौरव को बढ़ाने के लिए बन रहा है। और ये जो याचिकाकर्ता ने याचिका डाली है जनहित याचिका के नाम पर, ये बहुत ही छोटी, ओछी और तुच्छ राजनीति से प्रेरित है। अब आप सोचिए, जोर का थप्पड़ और जोर से लगा दिया आदरणीय हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के उनके सारे चेले चपाटों को। लेकिन क्या है ना, इनको अपनी बेइज्जती कराने की कोर्ट से आदत है। मैं याद दिला दूं आपको, रफाल के समय पर इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला था। 2019 के जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तमाम चुनावी रैली में जाकर के राहुल बाबा, मंदबुद्धि राहुल बाबा ने बोला चौकीदार चोर है, रफाल की चोरी की गई, रफाल की डील को सार्वजनिक किया जाए, रफाल में ये हुआ है, रफाल में वो हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स करता है जो बातें मैं बोल रहा हूं। मैं तब बोल रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रफाल की डील में गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और फटका इनको लगाया और बोला कि खबरदार, अगर हमारे नाम पे झूठ बोलोगे माफी मांगो माफी। फिर जाकर के दौड़ा दौड़ा भागा भागा पहुंचा राहुल गांधी, माफी मांगी, थूके को चाटने वाली हालत हो गई। तो इनको आदत है बहुत बड़े बड़े झूठ बोलने की इस देश के अंदर, इस देश को बदनाम करने की, इस देश में मोदी जी के नाम पर राष्ट्र विरोध करने की, और उसके बाद ये कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से इनको लंबा तगड़ा फटका पड़ता है। यानी कि झूठ पे झूठ बोलेंगे। और क्या कहने का मतलब है भाई, ये मोदी जी का घर है क्या? मोदी जी पूरी जिंदगी ताउम्र इस देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं क्या? पूरा टाइम मोदी जी उसमें रहने वाले हैं? नहीं, वहां पर पार्लियामेंट के साथ में आवाज बन रहा है प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जी का, पूरी सारे का सारा सिस्टम जो होता है वो एक साथ आ रहा है। सामने राष्ट्रपति भवन है, पीएम का घर होगा एक तरफ,
दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का होगा और उसके बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं उन सब के ऑफिसेज वहां पर होंगे, जो महत्वपूर्ण सरकारी ऑफिस हैं वो वहां पर होंगे। आप सोचिए कितना आसान काम करना हो जाएगा, मतलब आप अपना आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ अर्जेंट मैटर है, लोग यू नो दे कैन गेट अप एंड वॉक अप टू अनदर पर्सन्स ऑफिस और अपना इमीडिएटली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। कहीं पर किसी को गाड़ी निकाल करके ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, जो सेंट्रल दिल्ली के अंदर अक्सर होता है कि अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो ऑब्वियसली ट्रैफिक सुरक्षा की दृष्टि से रोका जाता है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। पूरा सेंट्रल दिल्ली, जिसको ये लुटियंस दिल्ली कहते हैं, वो इन सब प्रॉब्लम से फ्री हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वर्किंग ईजी हो जाएगी सरकार के लिए, लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी, क्योंकि सब लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे, सारे के सारे लोग आसपास होंगे, तो तमाम लोग निर्णय भी ले पाएंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे या नहीं पहुंचे, मीटिंग में लेट हो गए, ये हो गया वो हो गया, हम डिसीजन इसलिए डिले हो गया, वो सारी कहानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो इसके बाद जो भी कोई इस देश का प्रधानमंत्री बने, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो उस घर में रहने वाले हैं। और ये कोई देश के प्रधानमंत्री का घर या मोदी जी का घर नहीं बन रहा है, अर्थ के अनर्थ वाले लोगों, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर चुके, जो अब बहुत सालों पहले अपने घर को छोड़ चुके, वो अब घर बनाएंगे, इतने झूठे और मक्कार ये लोग हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस वक्त की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बैठने तक की पूरी जगह नहीं है, 540 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके तक बैठने की जगह नहीं है। कभी नहीं सोचा, इतने सालों तक सत्ता करते रहे लेकिन कभी किसी के बैठने की व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा, खुद के लिए कुर्सी मिली हुई है, खुद की जगह बनी पड़ी है, बैठे हुए हैं। और अब आगे कहते हैं कि भाई ये जो संख्या है ये 750 के करीब होगी, तो बैठने के लिए लोगों के लिए जगह चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए लॉ मेकर्स के लिए, तभी तो काम करेंगे, वरना कहाँ इनके सर पर जाकर बैठेंगे या 10 जनपद में जाकर के बैठेंगे। पर ये लोग जो सेंट्रल विस्टा के नाम पर और इसको देश के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी का घर बता रहे हैं, उनकी सच्चाई भी तो सुन लीजिए आप। ये तो जन्मजात लिटियंस दिल्ली में बैठे हुए हैं, सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं, जब से ये इस देश के अंदर आए, देश आजाद हुआ, ये तो लिटियंस दिल्ली में बैठे हैं, नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे, सोनिया गांधी जी के नाम पे, तमाम बैठे हुए हैं। राहुल गांधी तो लिटियंस दिल्ली सरकारी बंगलों में, बड़े बड़े घरों में पैदा हुए हैं। और राहुल गांधी तो चलो फिर भी देश में एमपी हैं, प्रियंका गांधी क्या है? प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने तो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो कैसे इतना बड़ा सरकारी बंगला इतने सालों से लिटियंस दिल्ली में पकड़ करके बैठी हुई थी, और जब उनसे खाली कराने की बात की गई तो उनकी जान निकल गई। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का दोहन किया, सरकारी बंगलों में खुद बैठे रहे, और आज जब देश की एक धरोहर बनाई जा रही है, सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, देश की पार्लियामेंट बनाई जा रही है, जिसको बहुत साल पहले आज़ादी के बाद बन जाना चाहिए था, जो हमारी अपनी होती, उसको जब बनाने की बात की जा रही, तो झूठ बोल रहे हैं, गंदी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए ये जो पूरा केस चला था हाईकोर्ट में, इसमें दो वकील गए थे, एक गए थे सिद्धार्थ लूथरा जो याचिकाकर्ता के फेवर में गए थे। सिद्धार्थ लूथरा जी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बड़े इस देश के वकील हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम पे वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, और याचिकाकर्ता ने मुझे लगता है उनका भी असम्मान करा दिया है। और दूसरी तरफ इस याचिका को खारिज कराने के पक्ष में जो वकील अपीयर हुए थे वो इस वक्त की सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। तो आप सोचिए कि कितने किस लेवल का झूठ बोला गया और किस प्रकार से इस झूठ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो ये राहुल गांधी हैं, अर्थ का अनर्थ कराने की आदत है, और जनहित याचिका का भी ये लोग बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। सोनिया गांधी जी पहुंच गई थी एक याचिका लेकर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बोला भगवान श्री राम नामक कोई चीज ही नहीं है। जनहित याचिका जो 90s के दौर में इस देश में सामान्य जनमानस के लिए बनी थी, कि अगर उनको कोई समस्या होती है तो वो अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका डाल सके, और उसका गलत इस्तेमाल अपनी राजनीति, अपनी गंदगी और अपनी घटियापन के लिए आज की ये जो अपोजिशन वाली लोग बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। तो इनको अपनी बेइज्जती कराने की आदत है, इनको मुँह के खाने की आदत है, इनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, शर्म वर्म इनको आती नहीं है। तो इन लोगों के बारे में जितना इनको एक्सपोज किया जाए और उनके झूठ डिमोलिश किए जाए वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मुझे लगा कि बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा है और मैं इस विषय पर बात करना चाह रही थी, तो मैंने बात की। आप सभी लोगों से निवेदन कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। कोविड काल है, अपना ध्यान रखिए, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द ही आपके बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।